16 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि वी इनिशियल जो था वो मैंने मान लिया वी था, तो वी फाइनल जो हो गया वो कितना हो गया, वी बाई टू। अब साइमल्टेनियसली हीटेड टू ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि अगर इनिशियल जो टेम्परेचर था वो टी था, तो जो टी फाइनल हुआ वो मेरा कितना हो गया, टू टी। ठीक है, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस इज डेल्टा एस, तो डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा इसके लिए, एक तो क्या हो रहा है कि कंप्रेस्ड हो रहा है, और साइमल्टेनियसली यानी कि टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसके लिए आएगा, और प्रेशर मेरा क्या है कांस्टेंट, यानी कि सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन, एक मिनट, यहाँ पे जो आएगा ये आएगा सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस, ये क्या है इंटरनल एनर्जी वाला, जो उसको एनर्जी को टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन आता है। एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, तो जो इसका आंसर आएगा ये आता है हमारा क्यू, तो अपॉन टी करेंगे तो टी हट जाएगा हमारे से, यहाँ पे ये आना चाहिए एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, क्यों, क्योंकि जो वो आएगा वो डेल्टा एच आएगा, क्यू आएगा, क्यू का इंटीग्रेट क्यू अपॉन टी, यानी कि जो एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन वो क्यू आएगा, तो क्यू आएगा तो उसको अपॉन टी से करोगे तो एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सी वी एल एन टी टू कितना है, एल एन टी टू यानी कि टू टी अपॉन टी प्लस एन नंबर ऑफ मोल, वन मान लो आर एल एन वी टू है, वन मोल दे रखा है एल एन वी टू, वी टू क्या है टू वी, वी बाई टू, वी बाई टू अपॉन वी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, डेल्टा एस इक्वल्स टू सी वी एल एन टू एंड माइनस आर एल एन टू, यहाँ पे जब वी बाई टू, वी बाई टू यानी कि वन बाई टू, तो वन बाई टू को हम क्या लिखते हैं माइनस एल एन टू, यानी कि ये आर एल एन टू, तो एल एन टू कॉमन आ गया, तो क्या होगा सी वी माइनस आर एल एन टू। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी वी माइनस आर एल एन टू, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट।